उपमंडल पालमपुर के परौर में जिला कांगड़ा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर खोला गया है। जो हमारे बाहरी राज्यों में लोग फंसे थे, वो जब अपने घरों में यहाँ आना चाहते हैं तो उन्हें कोविड टेस्टिंग के लिए और फर्दर अपने घरों में भेजने के लिए इस उद्देश्य से हमने ये बनाया था। और इसके साथ जो लोग अपना बार बार अपना होम क्वारंटीन तोड़ते हैं, उन लोगों को भी यहाँ रखने के उद्देश्य से हमने ये सेंटर बनाया है। जैसे ये लोग बाहरी राज्यों से रेल के माध्यम से हमारे ज़िला के अंदर आते हैं, तो विभिन्न विभिन्न बसों से जब हमारे ये क्वारंटीन सेंटर में पहुँचते हैं तो बसेज एक एक करके हमारे बूथ पे आती हैं। हमने एक स्टेशन वहाँ पे बनाया है। उस स्टेशन पे आने के बाद जैसे ही लोगों को उतारा जाता है तो 10-10 लोग जब उतरते हैं, सबसे पहले उतरने के बाद उन्होंने जो मास्क वहाँ पहना होता है उसको वहाँ अलग से एक डस्टबिन में डाला जाता है और उन्हें इसके साथ एक सैनिटाइज़र और 5 मास्क साथ में दिए जाते हैं। आफ्टर दैट ये वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आते हैं, अपना आधार नंबर, आधार कार्ड और इसके साथ कोई वहाँ हिमाचल का, जिला कांगड़ा का अपना एड्रेस प्रूफ दिखा के उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम इनका हेल्थ चेकअप करते हैं। हेल्थ चेकअप करने के बाद अगर इसमें से सिम्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक अलग कर लिए जाते हैं, सेग्रीगेट कर लिए जाते हैं, जिसमें से कि ILI के सिम्टम अगर पाए जाते हैं तो उन लोगों को अलग से बैठने की व्यवस्था की जाती है और उन लोगों के बहुत शीघ्र हम टेस्ट करवाने की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ जो अन्य लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उन लोगों की भी 100% टेस्टिंग जो है वो एक अलग अलग बैचेज में की जाती है। फर्दर आगे स्क्रीन होकर आगे निकलते हैं, उन लोगों को अपने रोज़ाना यूज़ की सामग्री है, जैसे ब्रश पेस्ट हो गया, आपका साबुन हो गए, आपके सैनिटरी इवन पैड हो गए या इवन बच्चों के लिए डायपर हो गए, और इसके अलावा छोटा सा टावल, आपको तेल या क्रीम, इस तरह की जो भी एसेंशियल आइटम्स है उसका एक पैकेट बना के और इसके साथ कुछ फूड पैकेट्स छोटा सा बना के उनको आगे कर दिया जाता है। इसके बाद अगला एक हमारा कार्य रहता है उन्हें एक यूनिक नंबर अलॉट करने का। तो हर एक व्यक्ति को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है, उसी यूनिक नंबर का बेड रहता है और उसी यूनिक नंबर का टॉयलेट रहता है और उसी यूनिक नंबर का वो उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से वो अपने अपने ब्लॉक में चले जाते हैं। हर ब्लॉक हमारा 30 तक मैक्सिमम लोगों को कैटर करता है। हर व्यक्ति के लिए 100 स्क्वेयर फिट का एरिया हम उस ब्लॉक में देते हैं। हमारे यहाँ 3 वक्त का भोजन जो है उसकी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में राधा स्वामी सत्संग परौर के सेवादार और लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है। तो हम यहाँ तो बहनों को बोलते हैं कि चुपचाप सिमरन करते हुए बनाओ, ये तो एक किस्म का प्रसाद बन जाता है। ये तो ये बाबा जी को मंडारा होते हैं तो मास्क हम तब भी लगाते हैं। हाँ जी, हेड कवर ये भी ना, कैप भी, क्योंकि ये इसलिए लगाते हैं हम कि कहीं बाल ना गिर जाए उसमें। सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के साथ साथ हम ये प्रयास करते हैं कि सैनिटाइजेशन का वर्क जो है वो लगातार चलता रहे। जैसे ही लोग आते हैं, बसों से उतरते हैं, बसें सैनिटाइज की जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी टॉयलेट्स हैं हर दिन प्रतिदिन दिन में 3 बार सैनिटाइज की जाती हैं। जैसे ही लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस में अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के निकलते हैं उस प्लेस को भी सैनिटाइज किया जाता है। भोजन सर्व करने से पहले और भोजन सर्व करने के बाद दोनों वक्त सैनिटाइजेशन की जाती है और हर ब्लॉक को मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम सैनिटाइज किया जाता है। और इस कार्य को करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो इस कार्य में लगे हैं और साथ साथ जो MCC के हमारे सैनिटाइजेशन के वर्कर हैं उन्होंने हमारा सहयोग दिया है, अपना फ़र्ज निभाते हुए यहाँ कार्य किया है। इसके साथ हमने हर ब्लॉक में एम्पल चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं। 5 बच्चों का हमने यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट किए जो हमें मालूम पड़ा था कि इस ड्यूरेशन में आए हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में हम योगा क्लासेस और ध्यान क्लासेस भी चलाते हैं, जिससे लोगों में एक आत्मबल और इस रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है और एक इतने खुले वातावरण में एक आध्यात्मिक सा माहौल भी बनता है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि परौर जैसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स की वजह से ही जिला कांगड़ा में अब तक कम्युनिटी स्प्रेड कोविड का नहीं हो पाया है। जो लोग भी यहाँ आते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि जब वो वापस जाएं तो होम क्वारंटीन के सभी नियमों का और प्रशासन द्वारा वक्त वक्त पे दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। मैं पालमपुर के सिविल सोसाइटी के ग्रुप जैसे पालमपुर सेवियर्स, राधा स्वामी सत्संग परौर के जो लोग थे वो इसके साथ जुड़े थे, जिन और कई ऐसे अनसंग हीरो जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना सहयोग दिया, मैं उन सबको
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।